सो हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आपका चैनल स्मार्ट पंकज एडिटर में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइप का फोटो एडिटिंग सीखने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप का फोटो एडिट कर पाइएगा, फेस इस तरह का स्मूथ कर पाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी आप इस टाइप का फोटो एडिट कर पाइएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप कर देते हैं तो दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि इस टाइप का फोटो एडिट आपका भी नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस टाइप का फोटो एडिटिंग वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द जाएगा और आप मेरा वीडियो को जल्द देख पाइएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जिस फोटो को एडिट करना है ठीक है दोस्तों, उस फोटो को आपको शेयर करके लेकर चला जाना है दोस्तों लाइटरूम एप्लीकेशन में। ठीक है दोस्तों, लाइटरूम एप्लीकेशन पर यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा इस फोटो आ चुका है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लाइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लाइट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंट्रास्ट को आपको थोड़ा कम कर देना है। कम करने के बाद दोस्तों हाईलाइट को थोड़ा कम कर देना है। हाईलाइट को कम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से शैडो को थोड़ा इंक्रीज कर देना है और व्हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है दोस्तों, और शैडो को थोड़ा कम कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से ब्लैक को थोड़ा कम कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना कम करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन पर आना है। कलर का ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर वी रेंज का ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से करीब 12 करीब रख देना है। ठीक है दोस्तों, 12 करीब रखने के बाद दोस्तों आपको मिक्स टूल पर आना है। मिक्स टूल पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रीन कलर पर आना है। ग्रीन कलर पर आने के बाद दोस्तों इसका साउंडनेस को कर देना है माइनस और सिग्नेचर को कर देना है माइनस। ठीक है दोस्तों, इतना कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस येलो टून पर आना है। येलो टून पर आने के बाद दोस्तों इसका सिग्नेचर को आपको थोड़ा कम कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसका सिग्नेचर को थोड़ा कम कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना करीब रख देना है और लूनियंस को आपको थोड़ा कम कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसका लूनियंस को करीब आपको 40 के करीब रख देना है। इसका हाउनेस को थोड़ा मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों आपको हाउनेस पर आना है। हाउनेस पर आने के बाद दोस्तों इसको करीब इतना कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना करीब रख कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों इस कलर पर आना है। ये कलर पर आने के बाद दोस्तों इसका हाउनेस को पूरा माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसका हाउनेस को थोड़ा माइनस कर देना है। सिग्नेचर को थोड़ा बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, इसको भी बढ़ा देना है लूनियंस को। ठीक है दोस्तों, ये कलर पर आना है। ये कलर पर आने के बाद दोस्तों इसका सिग्नेचर को आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना करीब कर देना है और लूनियंस पर आना है। लूनियंस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इतना कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसका कलर पर आना है। ठीक है दोस्तों, इस कलर पर आने के बाद दोस्तों थोड़ा इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रीन ये कलर पर आना है। ठीक है दोस्तों, ये कलर पर आने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है आप सभी को। ठीक है दोस्तों, इसका कलर को आप लोग को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली साथ इसको यहाँ से कलर को एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, इतना काम करने के बाद दोस्तों इसको हाउनेस को माइनस कर देना, लूनियंस को हाई कर देना। इस कलर पर आना है दोस्तों, हाउनेस को माइनस, लूनियंस को हाई कर देना सिग्नेचर को। ठीक है दोस्तों, इतना काम करने के बाद दोस्तों डन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस पे आना है। ठीक है दोस्तों, क्लैरिटी को आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। क्लैरिटी को इंक्रीज करने के बाद दोस्तों डिग्नेट पर आना है। इसको करीब 8-10 करीब रख देना है। इतना रखने के बाद इस पे आना है। सरप्राइज को आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना इंक्रीज कर देना है और यहाँ पर आपको आ जाना है कलर नॉइस को आ जाना है। कलर नॉइस रिटेंशन पर आ जाना है। इस पर आने के बाद इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है और डिटेल पर आना है। डिटेल को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। स्मूथ को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद दोस्तों यहाँ से नॉइस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इतना काम कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों इस पर आना है, इसको इनेबल कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों इस फोटो को बिफोर और आफ्टर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। ठीक है दोस्तों, इस फोटो को आपको शेयर करके लेकर चला जाना है दोस्तों ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में।
ठीक है दोस्तों, फेस स्मूथ करने के लिए, रिचार्जिंग करने के लिए। तो इस फोटो को मैं लाइट रूम ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ रहा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन, तो इस पर मैं ओपन कर लेता हूँ इस फोटो को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी कर लीजिएगा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पर ओपन। ओपन करने का बाद दोस्तों इसका यहाँ पर आपको टूल का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर आपको टूल का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने का बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। तो थोड़ा आपको यहाँ से स्क्रॉल कीजिएगा, इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप सभी को एक टूल मिल जाता है, स्मूथ टूल मिल जाता है दोस्तों। कुछ इस टाइप का आपको स्मूथ टूल मिल जाता है। तो इस पर आपको आ जाना है और आपको यहाँ पर इस सिलेक्ट इस टूल को आपको ले लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इस टूल को आपको यहाँ से ले लेना है। ठीक है दोस्तों, इस ब्रश को आपको ले लेना है। इस ब्रश को लेने के बाद दोस्तों आपको दंत सेटिंग का ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग का ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको फॉलो को वन रख देना है, इसको वन भी रख देना है। ठीक है दोस्तों, आपको साइज अपने मुताबिक से रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को काफ़ी लोग बताया जाता है कि दोस्तों साइज अपने मुताबिक से रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूँ, आप सबको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा साइज रखें। तो मैं आप सबको बता देता हूं दोस्तों, आप सभी को कोई नहीं बताया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं आप सबको एकदम राइट साइज बता देता हूं, मैं भी करता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपको 12 या 14 करीब रख देना है, इतना साइज एकदम परफेक्टली है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फ़ोटो को कर देना है जूम। जूम करने का बाद दोस्तों अच्छे तरह से जूम कर देना है। जूम करने का बाद दोस्तों इस तरह से आपको इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, अपना फेस पर इस तरह से इस ब्रश को चलाना है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरह से इस ब्रश को चलाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आपका अपना फेस का नोज दिखा रहा है, जैसे जैसे घुमा हुआ है उस तरह से आपको अपना ब्रश को घुमाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा आप सबको करके दिखा देता हूँ, तब मैं थोड़ा वीडियो को इस फास्ट कर दूंगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप सबको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग को कर लेना है। मैं जैसे कि देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से थोड़ा चलाने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको फिर इस तरह से चला देना है। इस तरह से चलाने के बाद दोस्तों आपका पूरा फेस को मिला देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छे तरह से मिला दिया है फेस को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितना चेहरे पर चमक आ चुका है। तो इस तरह से आपको अच्छे तरह से इसको स्मूथ कर देना है और आप इतना जूम करते जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको साइज को इस तरह से कम कर दीजिएगा। कम करने से आपका बहुत ही अच्छा होता है, इस तरह से बड़ा रहेगा तो दोस्तों आपको फेस पर कुछ इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं फटाफट में कर लिया हूँ स्मूथ, तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों कि किस टाइप का मैं फेस स्मूथ अच्छे तरह से कर लिया हूँ। तो दोस्तों आप लोग अच्छे तरह से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना करने का बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक एनटीआर पर लेयर पर क्लिक कर देना, एक प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना, एक एनटीआर ऐड कर देना। एनटीआर ऐड करने का दोस्तों इस एनटीआर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नॉर्मल है तो इस पर आपको जाना है। थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर सॉफ्ट लाइट मिल जाता है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने का बाद दोस्तों यहाँ पर देन कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से आपको इस तरह से रहेगा। यहाँ पर
क्रॉप टोपी पर आ जाना है। यहाँ पे तीन नंबर को आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर इसको जीरो पर सिलेक्ट कर देना है। जीरो पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्टूल पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लेयर अप पर जाना है। थोड़ा इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक टूल मिल जाता है यहाँ से दोस्तों, तो इस टूल पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस टूल पर आपको क्लिक कर देना है। इसका सेटिंग आप कितनों भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको फुल ही रखिएगा। ठीक है दोस्तों, साइज आपको इतने ही रख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको रखने का बाद दोस्तों इस तरह से आपको फोटो को कर देना जूम। जूम करने का बाद दोस्तों इस तरह से इसको कर देना अपना फेस पर अप्लाई। ठीक है दोस्तों, आपको आपका लेंस पर नहीं करना है इसको अप्लाई दोस्तों, आपको थोड़ा फेस पर आपको इसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं जल्दी में कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा फास्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं जल्दी बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद इसको इस एक एनटीआर को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका यहाँ पर क्वालिटी पर आपको क्लिक करके इसका साइज को कम बेस अपने हिसाब मुताबिक से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इतना करीब रख देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक मिल रहा है HDR एडजस्टमेंट, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपना थोड़ा फेस को वाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ठीक है दोस्तों इस तरह से वाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं फेस कितना वाइट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्ट पर जाना है। इंपोर्ट पर जाने के बाद दोस्तों यहां से इंपोर्ट पर इंपोर्ट इमेज कर देना है। एक बैकग्राउंड का लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस बैकग्राउंड को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं इमेज पर जाने के बाद। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहां पर मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इस तरह से इसको बड़ा कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको बड़ा कर देना है। ठीक है दोस्तों, बड़ा करने के बाद दोस्तों इस तरह से नीचे ला देना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहां से आपको डन का ऑप्शन मिला है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आपको उस फोटो को इंपोर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपका है। ठीक है दोस्तों, यहां से इंपोर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको ऊपर ले आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऊपर ले कर आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इस फोटो को ऐड कर दिया हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं इसका ऑलरेडी आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुका हूँ, उसका ट्यूटोरियल बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आप इजीली सीख जाइएगा दोस्तों। मैं इसका ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हूँ दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पहले से रिमूव किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको ऐड कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐड करने का बाद दोस्तों इतना करने का बाद दोस्तों इस फोटो को आपको इतना काम करने का बाद दोस्तों इस फोटो को आपको शेयर करके दोस्तों यहाँ से टूल बीच एप्लीकेशन पर इस फोटो को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं टूल बीच एप्लीकेशन पर ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको इस तरह से आना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहां पर ट्वेनिंग का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर कलर बैलेंस का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको यहां से क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मिल रहा है रेड कलर। ठीक है दोस्तों, यहाँ रेड कलर आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से करीब आपको 10 करीब रख देना है। ठीक है दोस्तों, 10 करीब आपको रख देना है और यहाँ से आपको इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, इतना बढ़ा देना है और फिर ये इस पे आना है। ठीक है दोस्तों, इसका भी रेट को आपको थोड़ा बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड को कलर चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से थोड़ा घटा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ग्रीन कलर को हटा देना है। ठीक है दोस्तों, इस पर आ जाना है, इसको भी थोड़ा
ठीक है दोस्तों, रेड कलर को हाई कर देना। ठीक है दोस्तों, इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप थोड़ा इसको भी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना काम करने के बाद यहाँ से मास्क पे आ जाना है। मास्क पर आने के बाद फिर आपको क्लिक कर देना है और आपको अपना फेस से इसको हटा देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना फेस से इसको हटा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ के दोस्तों यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इस तरह से कर लिया हूँ। करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डन का ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो इस इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सॉफ्ट स्मूथ का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर तीन नंबर को सिलेक्ट कर देना है जिसमें तीन लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मार्क्स पे आ जाना है, यहाँ से आपको पूरा क्लीन पर क्लिक करके क्लीन कर देना है और यहाँ से आपको अपना हेयर पर इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हेयर पर आप अपना अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हेयर पर अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप अपना फेस पे भी थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इस पे दाढ़ी पे भी इसका अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अप्लाई करने से काफ़ी अमेजिंग देखने में लगता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से आपको इसको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस पे करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट का आना है, इसको थोड़ा इसके अमाउंट को कम कर देना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा अमाउंट देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अमाउंट कर देना है, सिंपल सा आपको डन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव का, तो यहाँ से आप लोग सेव कर लीजिएगा, तो मैं इसका नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको फोटो सेव हो जाएगा आपका गैलरी में। तो दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप का फोटो एडिटिंग वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचेगा और आप मेरा वीडियो को जल्द देख पाइएगा। तो दोस्तों, आपको फेस का ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।